हेलो माय लेडी लव वेलकम बैक टू माय चैनल न्यून स्टाइल एंड आज का ये जो वीडियो है ये कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है यहाँ पे कोई हॉल शेयर नहीं होने वाली है सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अपने डिफरेंट एंड यहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट यू नो लाइक हम हमेशा जब भी स्किन केयर की बात करते हैं या मेकअप रिमूविंग के बाद जो है अपना स्किन रूटीन शेयर करते हैं या जो भी क्रिएटर्स uh, ऐसे शेयर करते हैं हम वी ऑलवेज यूज़ टू से लाइक के इन अ गुड अमाउंट और इन अ प्रिटी अमाउंट एंड ये सारे जो है बहुत अच्छे से लगाना है ये अच्छे से करना है सो वट यू मीन बाय अच्छे से लगाना है कितना लगाना है क्या लगाना है कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट कितना यूज़ करना है कौन सा प्रोडक्ट इवन इवन कितना यूज़ करना है हम इस सारी चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं करते एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट कि बेसिकली बात क्या है तो बात ऐसा है कि अगर हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा हाई एंड है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हम वैसे प्रोडक्ट को अगर थोड़ा थोड़ा यूज़ करें ताकि हमारे पॉकेट बच जाए तो उसमें भी वो प्रोडक्ट हमारे स्किन पे अच्छा असर नहीं करने वाला है कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है और अगर कोई ऐसा सस्ता अच्छा प्रोडक्ट जो बहुत ही अफोर्डेबल है पॉकेट फ्रेंडली है उसको हम ऐसे ऐसे ज्यादा से ज्यादा अगर हम यूज करते हैं तो भी वो हमारे स्किन पे गलत असर कर सकता है सो येस टूडे हियर आई एम विथ ऑल माई स्किन केयर प्रोडक्ट एंड आई एम गोइंग टू शेयर कितना प्रोडक्ट मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना अमाउंट पे आपको यूज करना चाहिए तो वो आपके स्किन के लिए परफेक्ट होंगे सो येस विदाउट एनी फर्द डिग इन टू दी वीडियो ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल अबाउट द मेकअप रिमूवल तो मेकअप रिमूविंग के लिए हमारा ये होता है फर्स्ट स्टेप जो एक स्किन रेजिमी होते हैं उसमें फर्स्ट हमारा मेकअप जो है वो रिमूव करना पड़ता है तो फॉर मेकअप रिमूविंग मेरे पास यहां पे एक है माइसेलर वाटर आई हैव दिस गुड वाइप्स का जो स्किन मेकअप मेकअप रिमूवर लोशन है या, ये तो एंड आप चाहो तो फेशियल ऑयल भी यूज कर सकते हो मेकअप रिमूविंग के लिए सो बेसिकली मेकअप रिमूव करने के लिए जो रिमूवर का क्वान्टिटी होता है चाहे आप ये ले लो या चाहे आप ये ले, ले लो या कोई ऑयल ले लो वो बेसिकली आपको अपने फेस के मेकअप के हेवीनेस के अकॉर्डिंग यूज करना होता है उसका कोई एस सच मेजरमेंट या कुछ uh, जो क्वांटिटी है वैसा नहीं होता है जितना आपका हैवी मेकअप होगा उतना ही हैवी आपका उतना ही ज्यादा अमाउंट पर जो है आपका मेकअप रिमूवर लगेगा ओके सो रिमूवर की बात तो हो गई है अभी मेकअप रिमूव करने के बाद आती है फेस वॉश की बारी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ स्किन केयर रिजमी तो उसके लिए उसके लिए फेस वॉश जो है हमारे पूरे जो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट पे यूज होती है सो आई हैव दिस बायोटेक फेस वॉश मैं साथ के साथ आपको मेरा प्रोडक्ट भी दिखाती जाऊंगी ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि क्या क्या आप यूज कर सकते हो सो फेस वॉश आपको कितना लेना चाहिए फेस वॉश आपको लेना चाहिए एक कॉइन के साइज़ में जो एक रुपये का कॉइन आता है ना वन रुपी कॉइन आपको उस साइज़ का अभी आप हाथ में ऐसे कॉइन रख के फिर ए, यहाँ पे जो है फेस वॉश डाल के आप मेजरमेंट्स तो नहीं कर सकते हो बट एक होता है ना आंखों के अंदाजे से आप आइडिया लगा सकते हो कि इतना साइज़ का होना चाहिए सो so, आपको इतना मेहनत तो थोड़ा सा करना पड़ेगा अपने गुड्स ग्लोइंग स्किन के लिए तो येस दिस इज वॉट इट इज़ एंड तो फेस वॉश का बात हमने कर ली है फेस वॉश हमेशा ही आपको यूज़ करनी होती है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जितना भी हमारा मेकअप प्रोडक्ट्स होता है मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट्स होता है उसमें जो फेस uh, वॉश है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में यूज़ होती है एंड दैट इज अ कॉइन साइज या डाइम साइज आप बोल सकते हो उस हिसाब से ना उसके बाद बारी आती है फेस टोनर या फेस मिस्ट की तो टोनर के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ जैसे कि ये प्लम का एक फेस टोनर फेस मिस्ट है ये है ग्रेपसिड एंड सी बैक सी बार्क बार्कथ्रॉन का फेस uh, मिस्ट uh, अगर आपकी फेस मिस्ट में ऐसा स्प्रे है जैसे कि इसकी अगर मैं लीड ओपन करती हूँ तो आई हैव दिस स्प्रे राइट या राइट तो मेरे पास जो है इसका ये स्प्रे वाला वर्जन है तो अगर आपको आपके बॉटल में स्प्रे है सो यू कैन यूज जस्ट आपको ऐसे टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर की डिस्टेंस में आपको इसको पकड़ना पड़ता है बॉटल को ऐसे एंड देन यू हैव टू स्प्रे जस्ट थ्री टू फोर टाइम्स नॉट मोर देन दैट टक 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 लाइक दिस आपको थ्री टू तो फोर टाइम्स जो है स्प्रे करना होता है इसी से आपकी पूरे फेस जो है वो कवर हो जाती है एंड अगर आपके फेस मिस्ट uh, में या फेस टोनर में स्प्रे नहीं है तो आपको हाफ टी स्पून ऑफ फेस टोनर अभी आपको स्पून में नाप के लेने की जरूरत नहीं है बट यू कैन यू कैन जस्ट एडजस्ट इट अंदाजे से राइट right? तो फेस टोनर का बात हमने कर लिया है अभी बारी आती है फेस सेरम की ओके सो फेस सेरम के लिए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक है गुड वाइप का रोजिप सेरम दिस इज अमेजिंग गाइज जस्ट गिव इट अ ट्राई अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है तो बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ज्यादा अच्छा सीरम है तो फेस सीरम जो है वो बेसिकली मोस्टली ऐसे ही आती है ऐसे एक ड्रॉपर के साथ तो आपको क्या करना होता है जस्ट टू टू थ्री ड्रॉप्स टू टू थ्री ड्रॉप्स आपको इसका लेना होता है जस्ट लाइक दिस 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 एंड दैट इज ऑल इससे ज्यादा क्योंकि फेस सिरम में जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स रहते हैं तो इट इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज अ लॉट ऑफ सेरम तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा एंड एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा आपका स्किन जो है वो सोक नहीं कर पाएगा क्योंकि सैरम यूजअली थोड़ा सा थिक होती है तो सेरम आपको थ्री टू फोर ड्रॉप्स ही मैक्सिमम यूज़ करना है एंड वो भी बहुत बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट्स नहीं बहुत ही छोटा छोटा ड्रॉप्स यूज करना होता है तो यह गई सिरम की बात अभी साथ के साथ हम आई सीरम की भी बात कर लेते हैं अगर आप आई क्रीम या आई सरम लगाते हो तो आप एक एक अंडर आई एरिया पे जो है एक ड्रॉप एक आई के लिए मतलब एच आई, एच अंडर आई के लिए आपको एक ही ड्रॉप यूज करना होता है सरम का आई सरम का नाउ नाउस्रम की भी हमने बात कर ली नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट द मॉइस्चराइजर विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर आवर स्किन केयर रेजोमी तो मॉइस्चराइजर के लिए यहाँ पे मेरे पास एक बेसिक मॉइस्चराइज़र है जो मैंने लोकल uh, शॉप से खरीदी है ये सो हियर इज माई मॉइस्चराइज़र आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो इसको भी आपको डाइम अमाउंट में या क्वाइन अमाउंट में लेनी होती है एंड लेने के बाद यू जस्ट यू नो लाइक डू दिस एंड जस्ट पैट 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 टक 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 ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हो सो यस दिस इज हाउ यू शुड अप्लाई योर स्किन केयर प्रोडक्ट इन अ परेट अमाउंट आई नो कि आप ऐसे मेजरमेंट्स करके तो नहीं ले सकते हो बट एक होता है ना कि आँखों के अंदाजे से आप ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इसको अप्लाई कर सकते हो ना ज़्यादा ना कम परफेक्ट अमाउंट यही है सो so येस yes, मैंने आज आप लोगों के साथ ही एक बहुत ही अनयूजअल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर कर दी है आई होप आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होंगी अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है वो तो वीडियो को थम सप देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आई विल मीट यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बुड बाय